विषय को बहुत अच्छे से कर लेगा, है ना। इसलिए गणित को बड़े ध्यान से पढ़ना है, और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे में पूरे मिलता है ना। यदि 100 अंक का कोई तुम्हारा परीक्षा हुआ है और तुम पूरे प्रश्न सही बनाओगे तो 100 में 100 अंक मिलेगा, है ना, 100 में 100 अंक मिलेगा यही। और हिंदी या और कोई सब्जेक्ट तो उसमें यदि तो किसी मात्रा गलत हो जाए, कामा गलत हो जाए, अलग न लगा पाओ तो उसमें तुम्हारे एक दो नंबर कट जाएंगे, है ना। लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आप सही उसको हल किए तो 100 में 100 अंक मिलेगा। और गणित तो इतना मजेदार सब्जेक्ट है कि गणित पढ़ने के बाद आप बहुत बड़े बड़े पदों में जा सकते हो, है ना। इंजीनियर जो बनते हैं ना उन लोगों की गणित बहुत तेज होती है। इंजीनियर ये मकान बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, बिल्डिंग बनाना, सड़क बनाना, ये सारे लोग कौन करता है, इंजीनियर। और इंजीनियरिंग के लिए की पढ़ाई के लिए गणित सबसे ज्यादा आवश्यक है ना। तो आप लोग से मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, जिस बच्चे को बुलाऊंगा वो आके उसको हल करेगा ना। मैं जो लिखा हूँ आपको समझ में आ रहा है। इस गुणा को कौन हल कर पाएगा, आ जाओ आप आ जाओ। तो क्या नाम है, आ जाओ। एक गुणा है इसको हल करिए। कितना लिखे हो ये, 100। 25 में 4 का गुणा किए तो कितना आ गया, 100। सही गलत है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोग ताली बजाओ उसके लिए। अब दूसरे की बारी आएगी ना। इस 25 में यदि हम इधर 2 और 4 के साथ लगा दें, है ना, तो 25 गुणा 42 इसको कौन हल कर पाएगा, हो जाओ। क्या नाम है आपका, राहुल देव, क्या नाम है, ठीक है, बनाओ बेटा। हर सब्जेक्ट को कर ले, और अगर जब खाली रहते हैं ना सब्जेक्ट, और इसके टीचर नहीं आए हैं तो मेरे बच्चे ये सफर जी वेरी गुड, ये सभी की लोग है ना। तो आपके बच्चों की इस गणितीय और भाषाई कौशल को देखते हुए डीएमसी सर भी आए हुए हैं, उन्होंने हिंदी का बच्चों का टेस्ट लिया। हम आज इस गणितीय कौशल को देखते हुए इन बच्चों को मैं जगह अपने जिले के इस कक्षा को नायक के रूप में चुनता हूँ, विद्यालय को नायक के रूप में चुनता हूँ, और ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि बच्चों की प्रतिभा को और तराशने का काम करेंगे। अब हम हमेशा बार बार यहाँ आते रहेंगे और इन बच्चों से मुलाकात करेंगे, और भी अन्य स्कूलों के बच्चों को भी हम इन बच्चों से मिलवाएंगे ताकि वो प्रेरित होकर इन बच्चों से वैसे ही गतिविधि अपने विद्यालय में कर सके। हम लोग यहाँ पर